एवरीवन, ज्योतिष जिम चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आज हमारे घर में कुछ नया हो रहा है, मतलब कुछ काम चालू है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या काम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ये वंश और काव्या, मेरे बच्चे आजकल लैपटॉप से खेलते हैं। ये देखिए, आपका लैपटॉप दिखाओ काव्या। देखिए बड़ा लैपटॉप। किसका लैपटॉप है? मेरा। कौन दिया था? मेरे पापा ने। मोबाइल भी लिया है आप लोगों ने? दोनों लोगों ने मोबाइल लिया है। हाँ। वंश फोन पे बात करो। हेलो हेलो हेलो। कौन? मैं बोल रही हूँ। हेलो कौन? पापा से बात करो। हेलो पापा, आ जाओ जल्दी। पापा वंश आपका मोबाइल दिखाओ। तो ये देखिए छोटी मोबाइल है, मिनी मिनी कंप्यूटर। ये काव्या के बर्थडे में मिला था ये वाला, उनके चाचू ने दिया था, काव्या के चाचू ने दिया था ये वाला। बहुत अच्छा है, इसमें ABCD है इसमें, और इसमें म्यूजिक भी है, बहुत कुछ है इसमें। स्विच ऑफ होता है, ऑन होता है। और ये है बड़ा लैपटॉप। तो अभी एक्चुअली वो ख़राब हो गया है, इसके लिए दिया है खेलने के लिए। और तब तक मेरी चाय पक रही है आपको। अभी ये जो ओपन है ना, ये इसको भी मैं जो है पैक करवाने वाली हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये सब सामान दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पे पहले मैं रहती थी तो मैंने वहाँ पे लगवाया था, वहाँ पे नीचे भी किचन था ऊपर भी किचन था, तो मैंने दोनों जगह किचन में ये लगाया था लॉफ्ट। लेकिन अभी मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हूँ तो यहाँ पर अभी नहीं है एक्चुअली। मेरा जब से मेरी शादी हुई है मैं 4 बार शिफ्ट कर चुकी हूँ, अभी ये 4th घर है मेरा। अभी 5वां कहाँ होगा ये भी पता नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज़ करवाने से पहले, बनवाने से पहले सोचना पड़ता है कि मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है, फिक्स भी नहीं है, तो मैं क्यों मतलब इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करूं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। ये एक्चुअली ये दिखता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सामान सब इधर उधर। तो भी कुछ गाइस फिक्स नहीं है, तो मेरा ये 4th घर है। तो जब जब जाओ तो सब सामान लेके जाओ, सब सामान लेके आओ, तो बहुत दिक्कत होता है। तो अभी तो फिलहाल मैं कुछ दिन यहाँ पे रहूँगी, कुछ दिन मतलब 3 साल 4 साल जो भी है यहाँ पे रहूँगी मैं। बट नेक्स्ट क्या हो जाएगा भगवान की दया से कुछ बोल नहीं सकते। तो कहाँ मैं शिफ्ट करूँगी, तो मैं जब भी ब्लॉग के थ्रू आपको सब अपडेट दूँगी इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है तो। तो यही मैं सोच रही हूँ कि ये जो खुला पोर्शन है ना, तो मैं इसको भी पैक करवा देती हूँ। तो चलिए मैं अभी आपको ऊपर दिखाऊँगी कि ऊपर क्या काम चल रहा है। तो मेरा चाय बन जाए तो मैं चाय पी के फिर चलती हूँ। चाय मैंने रख दिया बनाने के लिए, आटा भी गूंद के रख दिया है, और यहाँ पे छोटा वाला बाबू मेरा सो रहा है। बहुत प्यारा आता है गाइस। अभी ये 2 महीने का नहीं हुआ है, ये 2 महीने का एक्चुअली 1 अक्टूबर को 2 महीने का नहीं, 1 नवंबर को 2 महीने का हो जाएगा, मुझे काम चालू है। तो मेरा जो बाबू है वो 1 नवंबर को 2 महीने का हो जाएगा, और उसको भी 45 डेज वाला सुई भी लगेगा। एक्चुअली 45 दिन का नहीं हुआ था इसलिए सुई नहीं लगा था, बट अभी लगेगा। उन्होंने बोला कि 45 दिन के ऊपर रहेगा तो ही लगा सकते हैं, कम रहेगा तो नहीं लगा सकते। इसीलिए 1 नवंबर को उसका टीका भी है, वैक्सीनेशन भी है। और अभी मैं चलती हूँ, आपको ऊपर भी दिखाऊंगी। मैं चाय पी लेती हूँ। अभी ये लोग ना छोटे वाले बाबू को जगाने में लगे हैं, तो ऊपर कोई रहता नहीं है गाइस। मैं नीचे ही इतना सफिशियंट हो जाता है कि हमारे बच्चे के लिए नीचे ही काफ़ी है। ऊपर जाना आना बच्चों को छोड़ के तो फिर बहुत दिक्कत सा लगता है। मैंने वॉशिंग मशीन ऊपर ही रखा है, और जो सूखने वाला जिसमें कपड़े सुखाते हैं वो मैंने ऊपर ही रखा है, क्योंकि सफाई वगैरह का दिक्कत हो जाता है। बार बार नीचे ऊपर करो तो हफ्ते में 2-3 बार मैं ऐसे झाड़ू पोछा कर देती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा काम चल रहा है, हम लोग सोच रहे हैं ऐसा कि रेंट पे देने के लिए अगर कोई अच्छा मिल गया, मतलब कि छोटी फैमिली कोई अच्छी मिल गई तो हम दे देंगे उनको। तो थोड़ा उसी का काम चल रहा है कि उसको जो है पैक वगैरह कर रहे हैं विंडो वगैरह। तो
तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सिर्फ ऊपर वॉशिंग मशीन ही रखा है और थोड़ी थोड़ी सामान रखी, ज़्यादा कुछ रखा नहीं है मैंने। तो मेरा जो नीचे का रूम है ना, उतने में ही हो जाता है रहने के लिए। तो इतना ज़्यादा बड़ा घर भी नहीं रहना चाहिए बाबा, सफाई कौन करेगा। तो इसीलिए हम लोग सोच ही रहे हैं ऐसा कि, क्योंकि दरवाज़ा ना बाहर की तरफ निकाल के रखा था पहले से ही। पहले ये रेंट पे ही था, लेकिन जब हम जहाँ पहले रहते थे ना वहाँ पे जब स्कूल चालू हो गया तो फिर हम लोग वहाँ से छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो जब यहाँ पे शिफ्ट हुए तो मतलब कि पहले रेंट पे दिया था किसी को, तो उसको खाली करवाए तो हम लोग यहाँ पे आए। तो जो दरवाज़ा है ना वो बाहर की तरफ निकाल के रखा है, एक्चुअली वो सेपरेट दरवाज़ा नहीं निकाला है, उसको भी मतलब अभी सेपरेट करना पड़ेगा तो ही हम किसी को दे सकते हैं। तो उसी का काम चालू है, अभी दो तीन दिन काम चलेगा। तो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आपको चल के ऊपर दिखाती हूँ, ठीक है? तो चल के आपको मैं ऊपर दिखाती हूँ, तब तक ना काले हो जाओगे दोनों के दोनों। नहीं। हाँ बाबा बोल रही मम्मी अकेले चाय पी लेती है, हम लोग को नहीं देती, तो मैं थोड़ा सा उसको दे दी हूँ। मैं चाय पी रही हूँ, फिर चाय पी के बाद आपको मिलती हूँ। तो गाइस चलिए चलती हूँ ऊपर, आपको दिखाती हूँ क्या काम चल रहा है। और आप लोग अभी मत आना, ठीक है? मैं थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करके आती हूँ, फिर खिलौना लेके चली आई ऊपर से। ऊपर इतना सारा खिलौना ये लोग फैलाए हैं, चलिए मैं आपको ऊपर चलती हूँ। बन लग भी गया है क्या? एक लग गया, थोड़ा और पीछे से लगाए होते। हाँ सही, दूसरे लेवल में लगाया। ये देखिए महाशय यही लगाते नहीं नहीं ब्लॉग बनाती हूँ ना मैं, तो वही मैं बना रही हूँ, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। मजबूत है कि नहीं? मजबूत है, मजबूत वो नीचे वाला नहीं है। आज और क्या काम करेंगे, बस यही आज का यही है। आज ही कर दिया तो फिर बाद में डिस्टर्बेंस होता है। और एक ये क्या, क्यों मेरा किचन का कर दो फिर, किचन का वाला है ना पूरा होने के बाद। आपको फेमस कर रही हूँ मैं। अरे ये देखिए इधर वॉशिंग मशीन, यूट्यूब पे डाल दिए। हाँ ज्योतिष दीम चैनल करके है। अभी आप आओगे ना फिर मैं आपको मोबाइल में लिंक शेयर करती हूँ, ठीक है? आपको सुखाने। तो गाइस जिस डर की वजह से मैंने नीचे से सारा खिलौना ऊपर रखा है, बच्चे उधर भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं गंदा करने की, हमेशा दोनों जन फैला के रखते हैं। उसके बाद यहाँ से मेरे घर के सामने से ही स्टेशन दिखता है, पास में स्टेशन दिखता है, अब सामने ही ब्रिज दिख रहा होगा आपको। और ये स्टेशन है और यहाँ पे सामने ही मेरा घर, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी मैंने कुकिंग नहीं की है तो मैं जा रही हूँ कुकिंग करने। मैंने सब्जी काट के रख दिया है, आटा गूंद के रख दिया है, बस बनाना बाकी है, दाल चावल भी बनाना है।
अरे आप लोग चाय क्यों गिरा इधर, पोछा रखो इधर। तो चलिए मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, ज्योति जिम चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 3-4 दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सब लोग उठ गए हैं, काव्या यहाँ पे होमवर्क कर रही है। काव्या आप क्या लिख रहे हो? इनकी टीचर ने 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखने के लिए बोला है, 3 पेज। इनको वैसे 50 तक आती है, लेकिन टीचर इतना सिलेबस इनको करवाती है, बस हम उतना ही करवा के भेजते हैं। तो बस राइटिंग इज सो पुअर काव्या। आपकी राइटिंग कैसे लिख रहे हो? साफ साफ लिखो। फाइव बनाने की कोशिश कर रही, फाइव नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं। चलो चलो चलो, जो आपको बनाने नहीं आ रहा है उसको पहले आप प्रैक्टिस करो, फिर आप लिखो। तो वही मैं सुबह सुबह उठ के इनका होमवर्क करवा रही हूँ। और ये 11:30 बजे स्कूल जाती है मैडम, और 1:30 बजे तक आ जाती हैं। तो ये इनके स्कूल में मिला था गिफ्ट में, और एक टिफ़िन मिला था चिल्ड्रंस डे पे। ये बॉटल मिला था और एक टिफिन है, टिफिन मिला था। तो मैं सुबह नाश्ते के लिए मूंग की खिचड़ी बनाई हूँ, और बच्चों के लिए दूध गर्म करके रखी हूँ। मैं रेसिपी शूट नहीं कर पा रही हूँ गाइस एक्चुअली, क्योंकि जो ट्राईपॉड है वो बहुत बड़ा है और बहुत हिलता डुलता रहता है, तो इसी के लिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ कोई भी रेसिपी वगैरह। तो अभी जब भी मैं ट्राईपॉड ले लूँगी तो आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो और यहाँ पे देखिए, ये पार्टीशन लग रहा है, पहले ये पूरा खुला हुआ था, तो इसको अभी हम सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके का, ये जो एल्युमिनियम शीट है, ये पहले देखो कुछ इस तरीके से था, ये इस तरीके से था, खुला हुआ था, देखो पूरा। आप अभी हम लोग इसको पैक कर रहे हैं। अभी फ्रिज जो है सीढ़ी के नीचे आ गई है, और यहाँ पे देखिए एक सेपरेट दरवाजा है, तो इसको अभी हम सेपरेट कर देंगे। ये पूरा रूम को ही सेपरेट कर देंगे, ये मतलब ये ऊपर का टेरेस और ये नीचे पूरा सेपरेट हो जाएगा, तो हम किसी को रेंट पे वगैरह पे दे सकते हैं। यहाँ पे ये एल्युमिनियम की शीट लग रही है, बहुत अच्छा होता है, पानी वगैरह में ख़राब नहीं होता है। तो ये एल्युमिनियम की शीट है, बहुत अच्छी रहती है। अभी जो है सीढ़ी के नीचे फ्रिज रख दी हूँ मैं, और किचन में वॉशिंग मशीन रख दी हूँ, क्योंकि ऊपर था पहले वॉशिंग मशीन, अभी नीचे रख दी हूँ, ताकि छोटे बाबू की वजह से मुझे ऊपर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जनाब उठ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं। मोबाइल बहुत तेज देखता है, अगर आप मोबाइल में कभी ऐसे देख रहे हो ना तो ऐसे देखता रहता है। मैं बोलूंगी कि अरे बाबू तो आवाज नहीं कर रहा है, तब अचानक से ध्यान जाती है तो बाबू मोबाइल में बिजी होते हैं। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि जब मैं इसके साथ रहूँ तो मोबाइल 200 कदम दूरी पे रहे। और बताओ आप कैसे हो? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं वीडियोस में बनाने के लिए, बट हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं यूट्यूब को। एक्चुअली यूट्यूब हमारी अर्निंग के पर्पज़ से हमने नहीं बनाया था, मैंने जो है ना सबसे पहले यूट्यूब अपने 2014 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी नहीं थी। एक दो वीडियो डालती थी, फिर बंद हो जाती थी, फिर बंद हो जाती थी, फिर एक दो वीडियो डालती थी, फिर बंद हो जाती थी, ऐसे ऐसे करके फिर वीडियोस जा ही नहीं पाते थे। बट अभी मैंने कोशिश की है कंटिन्यू रहने की, अगर मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ तो मैं एक शॉर्ट वीडियो ही डाल देती हूँ। मतलब अभी सोच रही हूँ कि रेगुलर रहूँ। और तो ये हैं मेरे दूसरे नवाब, लेकिन अभी वीडियोस मैं डाल रही हूँ और अभी कंटिन्यू रखूँगी। और बहुत अच्छा लगता है जब पीछे का वीडियो आप अपनी ही वीडियो देखते हो, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमने की थी ये मंथ में, ये ईयर में। तो YouTube का एक ये भी फ़ायदा है कि आपकी वीडियो सब सेव रहते हैं, अगर आपकी आईडी और पासवर्ड आपने याद करके रखे हैं तो आपकी वीडियो सेव रहते हैं।
और इसीलिए अभी देखते हैं। और अभी पहले तो मेरे 0 सब्सक्राइबर थे, अभी धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहे हैं। और अभी तो कुछ 600 हो गए हैं। तो YouTube की फैमिली हमारी बढ़ती है तो हमें भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कहाँ कुछ भी नहीं था तो कहाँ अभी 600 है। तो वीडियोस अपलोड करेंगे डेली बेसिस पे तो लोगों को फिर मज़ा आता है देखने में, बट हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है बच्चों में, घर के कामों में। लेकिन लोगों को वही सब देखना अच्छा लगता है कि ये रियल में कैसे करते हैं, कब करते हैं और करने का तरीका क्या है, तो लोगों को वही पसंद आता है। तो धीरे धीरे अभी मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो डेली बेसिस पे ब्लॉगिंग तो नहीं हो पाती है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक एक करके वीडियोस जाए। और बहुत कुछ होता है गाइस शेयर करने के लिए, बस ये होता है ना कि कोई रिकॉर्ड करने वाला हो, मैं करते रहूं और पीछे से कोई रिकॉर्ड करता रहे, तो ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो काव्या बेटा फटाफट अपना होमवर्क फिनिश कर लो बेटा प्लीज। तो अभी मैं जा रही हूँ बाबू को मालिश करूंगी, मालिश करने के बाद थोड़ा टाइम उसको वैसे ही रख दूँ, मतलब लिटा दूंगी, फिर उसके बाद उसको नहलाऊंगी। पहले तो काव्या और वंश को नहला दूंगी क्योंकि काव्या को 11:30 बजे स्कूल जाना रहता है और अगर मैं बाबू को पहले नहला देती हूँ तो वंश का माथा ठनक जाता है तो फिर मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है वो। तो मैं भी पहले चल के बाबू को मालिश कर देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कौन से ऑयल से मैं मसाज करती हूँ। तो ये वो तेल है, एक्चुअली मैंने इसको ऐसे बॉटल में रखा है ताकि मुझे यूज़ करने में आसानी रहे। तो ये सरसों का तेल है, तो इसमें मैंने सरसों के तेल में ना ये अजवायन और थोड़ा सा लहसुन डाल के अच्छे से पका लिया है। उसके बाद ठंडा करके बॉटल में, बड़े से बॉटल में भर के रख देती हूँ, फिर जब यूज़ करना होता थोड़ा थोड़ा यूज़ करने के लिए बॉटल में निकालती हूँ। और ये भी वैसा ही है, बड़ा सा डब्बा था 1 लीटर का, तो मैंने इसको ये जैतून का तेल है, ये मैं शाम को, तो ये जैतून का तेल मैं शाम को मसाज करती हूँ। और क्योंकि नहलाना रहता है तो मैं ये सरसों के तेल से मसाज करती हूँ, सुबह ये करती हूँ और शाम को ये, तो 2 ही बार मसाज करती हूँ। उसके बाद एक बार नहला के हल्का सा पाउडर लगा के तैयार कर देती हूँ मैं। क्या चाहिए, पानी नहीं, अभी आपने गर्म गर्म दूध पिया है ना। तो अभी के लिए एक नया अपडेट यही है गाइस कि ये मेरा जो है पीछे ये एल्युमिनियम की शीट लग रही है और मैंने वॉशिंग मशीन रख दिया है क्योंकि यहाँ से पानी लेना भी आसान है। और